माह रबी अव्वल है, अहले ईमान के लिए मुसर्रतों का, खुशियों का वो महीना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन जहां अहले ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, वहीं बेशुमार सवालात उठा दिए जाते हैं, जिनमें से एक सवाल यह होता है कि क्या 12 रबीउल अव्वल ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादती तारीख है। आप जो कुछ करें वो दुरुस्त और अहले मोहब्बत अहले अकीदत जो कुछ करें वो गलत, ऐसा नहीं हो सकता। म्यार तो एक होगा और अब दुनिया में मालूमात की रसाई बहुत तेजी से आम हो गई है। अब आप हकायक को छुपा नहीं सकते, अब आप अपनी मुनाफिकत पर पर्दा नहीं डाल सकते। इसलिए बेहतर यह है कि हुजूर खतीब मर्तबत के मीलाद पर कोई एतराज ना करें, तारीख मीलाद पर कोई एतराज ना करें। एक इल्जामी सवाल करते हैं कि अगर जो लोग जश्न ईद मिलादुल नबी के मुकाबिल ये दलील पेश करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल योम विसाल है और वो ये भी कहते हैं कि सहाबाए किराम ने मिलाद नहीं मनाया, तो क्या सहाबाए किराम ने योम विसाल 12 रबीउल अव्वल को मनाया? बात यह है कि बेशुमार मामलात ऐसे हैं जिनकी तारीख में तजाद मौजूद है, इख्तलाफ मौजूद है। अब अगर मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं मेराजुल नबी के हवाले से, तो क्या हम मेराज मानना छोड़ दें या मेराज मनाना छोड़ दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, सियासी पॉइंट के साथ आज़ी अहमद दुरानी हाजिर है। माह रबी अव्वल है, अहले ईमान के लिए मुसर्रतों का, खुशियों का वो महीना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनकी आमद फ़ैज़ से ये तमाम आलम महक उठा, जगमगा उठा। यही वजह है कि अहले ईमान जश्न ईद मिलादुल नबी बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। लेकिन जहां अहले ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं, वहीं बेशुमार सवालात उठा दिए जाते हैं, जिनमें से एक सवाल यह होता है कि क्या 12 रबीउल अव्वल ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादती तारीख है? तो हमें मालूम है कि 9 रबीउल अव्वल की रिवायत भी है, 12 रबीउल अव्वल की रिवायत भी है और तारीख की किताबों में 17 रबीउल अव्वल का तस्करा भी है और तारीखें भी हैं। फिर एक सवाल ये उठता है कि 12 रबीउल अव्वल तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विसाल है, तो हम भी एक इल्जामी सवाल करते हैं कि अगर जो लोग जश्न ईद मिलादुल नबी के मुकाबिल ये दलील पेश करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल योम विसाल है और वो ये भी कहते हैं कि सहाबाए किराम ने मिलाद नहीं मनाया, तो क्या सहाबाए किराम ने योम विसाल 12 रबीउल अव्वल को मनाया? बात यह है कि बेशुमार मामलात ऐसे हैं जिनकी तारीख में तजाद मौजूद है, इख्तलाफ मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज की तारीख मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बाज आयतों के नजूल के हवाले से कब नाजिल हुई, मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। अब अगर मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं मेराजुल नबी के हवाले से, तो क्या हम मेराज मानना छोड़ दें या मेराज मनाना छोड़ दें? अगर मुख्तलिफ बड़ी अहम आयतों के हवाले से उनके नजूल के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं, तो क्या हम उन आयतों को मानना छोड़ दें और उनसे मसाइल को लेना छोड़ दें? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा। तारीख का इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वाकये की अहमियत अपनी जगह पर। वो 9 रबीउल अव्वल हो, 12 हो, 17 हो या कोई और तारीख हो, हुजूर खतीब मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासादत इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है कि उसका शुक्र हम अदा करते रहेंगे और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते रहेंगे।
मुख्तलिफ तारीखों की रिवायत के बावजूद उम्मत का इजमा 12 रबीउल अव्वल पर है। न सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अतराफ के इलाकों बल्कि दुनिया भर में 12 रबीउल अव्वल ही यौम मिलादुन नबी के तौर पर मनाया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने जीशान के मफहूम के मुताबिक उम्मत कभी भी किसी बुराई पर जमा नहीं होगी। जब ये उम्मत का शियार है, उम्मत का तरीका है, उम्मत का वतीरा है, उम्मत का अंदाज है, उम्मत का अंदाज मोहब्बत है, तो फिर इसको किस तरह हम रद्द कर सकते हैं। फिर कुछ अहबाब सवाल करते हैं कि मिलाद का जुलूस निकालना, झंडे लहराना, झंडियां लगाना। तो अभी 23 सितंबर गुजरी, आपने देखा मीडिया पर कि खुद मक्के मुकर्रमा और दीगर शहरों में सऊदी हुकूमत ने अपने वतन का दिन मनाया। झंडियों पे लिखा हुआ है कि वतन हमारे दिल में, जिन पर उनके मुल्क का निशान कुजू का दरख्त बना हुआ था और एक अरबी इबारत लिखी हुई थी कि वतन की मोहब्बत हमारे दिल में। तो मैं सवाल करता हूं कि क्या रियासत मदीना में जिनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यौम वतन मनाया था? क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यौम वतन मनाया था? क्या हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यौम वतन मनाया था? क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यौम वतन मनाया था? तो अब जाके सवाल करें उनसे आप कि आप क्यों झंडियां लगा रहे हैं, आप क्यों हराम काम कर रहे हैं, आप क्यों बिदअत कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अकदस के सामने खड़ा होना बिदअत, हुजूर की सुनहरी जालियों की तरफ तवज्जो करना बिदअत, हुजूर की जालियों को चूमना बिदअत, हराम, शिर्क के सारे मामलात। तो ये झंडियां लगाना, ये सजाना, वतन का दिन मनाना, इसके बारे में क्या ख्याल है? मामला ये है कि आप जो कुछ करें वो दुरुस्त और अहले मोहब्बत, अहले अकीदत जो कुछ करें वो गलत। ऐसा नहीं हो सकता, म्यार तो एक होगा। और अब दुनिया में मालूमात की रसाई बहुत तेजी से आम हो गई है, अब आप हकायक को छुपा नहीं सकते, अब आप अपनी मुनाफिकत पर पर्दा नहीं डाल सकते। इसलिए बेहतर यह है कि हुजूर खतीब मर्तबत के मीलाद पर कोई एतराज ना करें, तारीख मीलाद पर कोई एतराज ना करें। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।